नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा गया। प्राइमरी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ, इंकलाब जिंदाबाद, 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 शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो ये शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो ये प्राइमरी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ, उपलब्ध कराओ, पाठ्य पुस्तकें अभी तक उपलब्ध नहीं, इसका जिम्मेदार कौन? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति मुरादाबाद इकाई के सचिव शिशुपाल सिंह राजपूत ने कहा कि शिक्षा का समाज में क्या महत्व है इसको सभी लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए शिक्षा सबको अनिवार्य रूप से मिले यह सरकार के प्रमुख दायित्व में शामिल है और अपने इस दायित्व को समझते हुए सरकार शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का दावा भी करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार दावा तो करती है लेकिन परिस्थितियाँ दावे को झुठलाती नजर आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से लेकर आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को अभी तक पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जबकि सत्र आरंभ हुए 5 महीने बीत चुके हैं। इस स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे और अध्यापक कैसे पढ़ाते होंगे और निरीक्षक विद्यालयों की पढ़ाई का क्या निरीक्षण करते होंगे, आप यह भली भांति समझ सकते हैं। मेरा नाम शिशुपाल सिंह राजपूत है और मैं अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति जो हमारी मुरादाबाद इकाई है उसका मैं सचिव हूँ और आज हम जो ये ज्ञापन दे रहे हैं वो कुछ समस्याएं हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं वो प्राथमिक स्कूलों की। प्राथमिक स्कूलों में अभी तक 6 महीने बीत गए हैं, सत्र शुरू हुए लेकिन अभी भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या टीचर्स लोग पढ़ाएंगे और जो इतना बड़ा भारी भरकम हमला है ये क्या निरीक्षण करता है इसका? हमें तो ये लगता है कि एक साजिश के तहत ये प्राइमरी स्कूलों में इस तरीके की जो साजिश हो रही है ताकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरे, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, गंदगी का साम्राज्य मिलेगा आपको, वहाँ पर ना कोई सफाई की व्यवस्था है ना कोई सफाई कर्मचारी है। तीसरा, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, साफ पानी बच्चों को अगर नहीं मिलेगा तो बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए वहाँ पर साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार इस बात को अच्छी तरीके से जानती है लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों अनजान बनी हुई है इस मामले में और इनकी कोई जो बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। सचिव शिशुपाल सिंह राजपूत ने यह भी बताया कि अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में सफाई हेतु कर्मचारी की व्यवस्था ना होने से गंदगी पसरी रहती है और गंदगी होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता होगा बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर यह सब समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा गया और देखने वाली बात यह होगी कि इस ज्ञापन पर क्या संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।